नमस्कार, मैं यदति शर्मा। दिल्ली से सियासत यूं तो रोज चलती है, पर आज दिल्ली उसे सियासी गिरफ्तारी के कारण चर्चाओं में रही जिसमें मुख्यमंत्री रहते हुए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई हो। जी हां, हम बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कर रहे हैं, जिसने कल रात से ही सियासत का पारा गर्मा कर रखा है। आज विशेष में बात करेंगे इसी सियासी गर्मी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार ईडी ने 10 सम्मन के बाद भी पेश न होने के कारण शराब घोटाले में बृहस्पतिवार रात को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम ने उन्हें 10वां समन देने आई थी। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी अपने दफ्तर ले गई। आरएमएल अस्पताल में पहुंची डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल किया। केजरीवाल की रात ईडी के लॉकअप में कटी। केजरीवाल को आज दोपहर में MP MLA कोर्ट में पेश किया गया। ईडी केजरीवाल की रिमांड की कोशिश करेगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जस्टिस राजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस MM सुदेश की बेंच बनाई गई। हालांकि कुछ देर बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली। केजरीवाल के वकील ने जस्टिस राजीव खन्ना को बताया कि ट्रायल कोर्ट में रिमांड की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ टकरा रही है, इसलिए उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। ट्रायल कोर्ट में हम पहले रिमांड प्रोसीडिंग पर लड़ेंगे और फिर एक और याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जिस शख्स ने दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज दिया, दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया, आज उस शख्स को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के ITO में प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के दो मंत्री आतिशी सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सीएम केजरीवाल के घर परिवार से मिलने भी जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। कभी अरविंद केजरीवाल के साथ रहे अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल का साथ छोड़ते हुए इस पूरे मामले में उन्हें ही दोषी करार दिया। दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अब राजधानी की राजनीति गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति मामले में घोटाले का आरोप है। करोड़ों के शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद सुर्खियों में आए माता की। और बाद में फिर आम आदमी पार्टी बनाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। भाजपा और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियों को टक्कर देकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का चुनाव जीता और दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले केजरीवाल खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में हिरासत में हैं। वहीं कभी केजरीवाल के साथी अन्ना हजारे ने उनकी गिरफ्तारी पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज दिल्ली में जहां एक ओर हंगामा होता रहा, वहीं इस मामले में सियासत की गलियों में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। आज दिल्ली में जहां एक ओर हंगामा होता रहा, वहीं इस मामले में सियासत की गलियों में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में जहां एक ओर विपक्ष आज एकजुट होता दिखाई दिया। कॉल अपॉन द सुप्रीम कोर्ट टू एक्चुअली टेक सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। इट इज वेरी क्लियर दैट व्हाट इज हैपनिंग इज वायलेटिव ऑफ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच द सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली अफर्म्ड इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर द कोर्ट हैज एवरी राइट to stop the government from taking any action that has a material effect on the elections. Short of an imminent law and order crisis like a riot about to break out, no government servant, no investigative agency has any right to interfere with the workings of democracy. This is fundamentally violative of the political rights of every Indian citizen. That's my point. इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि वो परिवार एक साथ नहीं है। जब परिवार को सजा मिली है, और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा क्या परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो, कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में हैं, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है, और वो भी झूठे मुकदमे लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं। ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे झूठे मुकदमों का, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, रामपुर कहीं पर देख लीजिए आप, हर जगह मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा ने आम पार्टी पर निशाना साधते हुए शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल पर फिर निशाना साधा। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है, तो मैं कहूंगा इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार मनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है।
बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है, विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। बहरहाल जहां एक ओर आम आदमी पार्टी को कोर्ट से इस मामले में राहत मिलने की कम ही उम्मीद है, वहीं विपक्ष इस मामले को लेकर 2 दिन में एक बैठक करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।